हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो भारत में भी बुरी तरह फैल रहा है, जैसे कि इटली में फैल गया है, अमेरिका में भी फैल रहा है। उसी तरह जो कोरोना वायरस है वो तीसरा स्टेज का रूप लेते हुए भारत में भी फैल रहा है। धीरे धीरे जो कोरोना वायरस के मरीज़ है वो भी भारत में फैलने लगे हैं। आपको पता है तो जो कोरोना वायरस के मरीज़ है वो बहुत तेज़ी से भारत में फैलने लगे, तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे हम यह सोच सकते हैं कि क्या भारत में, पूरे भारत में कर्फ्यू लग सकता है, पूरे भारत बंद हो सकता है। अब कुछ राज्यों में लॉकडाउन भी कर दिया गया है, लगभग 17 राज्यों में लॉकडाउन किया गया है और 75 जिलों को भी लॉकडाउन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। पंजाब, राजस्थान और बिहार को तो पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है, और इसके साथ ही जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ ज़िलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। क्या पूरे भारत लॉकडाउन हो सकता है? क्या पूरा भारत में कर्फ्यू लग सकता है? पूरे भारत में कर्फ्यू लगने के बाद आपको पता है क्या होता है? तो ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है, इससे क्या हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन हो सकता है? कोई भी गली में नहीं दिखेगा। तो इस बात पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तब जब वो हाथ से निकलने लगती है, सरकार के हाथ के अंदर नहीं आती है, तो उसके अंदर क्या लगाया जाता है? कर्फ्यू लगाया जाता है। उस स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए कर्फ्यू लगाया जाता है। जब भारत में भी कोरोना वायरस बुरी तरह फैल जाता है या वो हाथ से निकल जाता है, उसे बहुत तीसरे स्टेज के अंदर आ जाता है, वो काबू में नहीं आता है, इस पर जो केंद्र सरकार वो क्या कर सकती है? कर्फ्यू लगा सकती है। जब वह स्थिति से बाहर हो जाता है तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कर्फ्यू भी लगा सकती है, पूरे भारत में लगा सकती है। अभी तो कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ ही अगर कोरोना वायरस के मरीज़ वो बुरी तरह मिलने लगे तो क्या है कि इसे पूरे भारत में क्या लगाया जा सकता है? कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस के मरीज़ बुरी तरह हर जगह मिलने लगे तो जैसे इटली में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज आपको पता है इटली में 5,000 से अधिक मौतें होने लगी है, चीन से भी अधिक इटली में मौत हो गई है। चीन में तो कहा जा रहा है कि 3-4 दिन से कोई भी नया मामला सामने नहीं आ रहा है इटली में। तो क्या हमारी सड़कें एकदम सुनसान दिखने लगेगी कर्फ्यू लगने के बाद? हमें भी पता है कर्फ्यू लगने के बाद तो कोई अपने घर बाहर निकल नहीं सकता, बहुत सड़कें हमारी सुनसान हो जाएगी। तो आपको, हमें भी सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि सरकार को नियंत्रण हो सके। ये जो अभी लॉकडाउन किया गया है, हमें भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कई जगहों पर लोग अभी भी बसों में, जो लॉकडाउन कर दिया गया उसके बावजूद भी बसों में भरीज भर के जाने लगती है। इससे जो कोरोना वायरस है वो अधिक फैलने की संभावना रहती है। शायद उसमें से कोई कोरोना वायरस हो, मेरी तो यही इच्छा है कि उसमें ना मिले। अगर हो, भगवान करे ना हो, लेकिन हो तो वह बहुत लोगों को संक्रमण कर सकता है। तो आप भी अपने घर में रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने देश को बचाइए। दोस्तों, जितना हम सावधानी बरतेंगे उतने कोरोना वायरस से बच सकेंगे। तो हमें भी कोरोना वायरस से बचना है, अपने देश को बचाना है। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसी स्थिति नहीं बनानी है कर्फ्यू जैसी, अभी हमें नियंत्रण में लेने ना है। अगर हमने थोड़ी सावधानी बरती तो ये हम इससे बच सकते हैं। तो हमें सावधानी बरतनी होगी, श्री प्रधानमंत्री जी का कहना मानना होगा और जो कोरोना वायरस है उसको नियंत्रण में लेना होगा, इससे हमें बचना होगा। बार बार हाथ धोने होंगे हमें, और अगर कोई जो भी व्यक्ति अभी अभी कोई बाहर से आया उसे हमें बहुत दूरी बना के रखनी है, क्योंकि पता नहीं उसमें कोरोना वायरस का संक्रमण हो, उसकी वजह से आपका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। कुछ दिनों के लिए आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, ये जो कर्फ्यू जैसी स्थिति है इससे हमें बचना होगा। तो जो भी कोरोना वायरस के जितने भी मरीज हैं, आपको लगे जो कोरोना वायरस के लक्षण दिखे तो आपको उससे दूर रहना होगा। तो दोस्तों, ये जो सिटी कर्फ्यू है उसमें आप कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, उसमें अपने घर में ही रहना होगा। तो दोस्तों, हमें इसे जो कर्फ्यू जैसे स्थान जो हमें नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, अपने घर में रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने देश की सहायता करिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इटली में बुरी तरह जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है, लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। चीन में जो वुहान शहर से फैला, वहाँ पर थोड़ा काबू में आता दिख रहा है, और अमेरिका में भी बुरी तरह फैलने लगा है। जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें जो अचानक कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या दुगनी हो गई। हमारे भारत में आज 23 मार्च को लगभग 423 जो मरीज़ है उनकी पुष्टि की गई है, जो 423 मरीज़ है वो पॉजिटिव पा गए हैं हमारे भारत में भी। तो फिर समय कोरोना वायरस से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी कोरोना वायरस से बच सके, अपने परिवार का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस है वो बड़ा ही खतरनाक है। कुछ गाँव में कहती है
कि अरे क्या है, सब मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो सब मरेंगे कैसे? अगर आप ख्याल रखोगे तो कोई भी नहीं मरेगा फ्रेंड्स, हमें बचाना होगा। गाँव में यह रीत ज़्यादा है, मैं भी एक गाँव से हूँ, तो फ्रेंड्स हमें बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा, देश को बचाना होगा। अगर आपकी छोटी सी गलती पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है, आपको सावधानी बरतनी होगी, कोई भी चीज़ को सुनने के बाद आपको बार बार हाथ धोने होंगे। तो दोस्तों अलविदा लेता हूँ अभी इस यहाँ से इन शब्दों के साथ है, तो मेरे वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपको सभी आपके दोस्तों को पता चल जाए और कोई भी बाहर से आए व्यक्ति उसे दूर रहना होगा। आप इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक सच्चे देशभक्त हो। धन्यवाद।